अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद विनास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार आसान चने का पुलाव, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। चने के पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत मज़े का, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। चलेंगे फटाफट किचन में चलते हैं, उस पुलाव को बनाने की तरकीब देखें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वाइट चना पुलाव, जिसके लिए हमने लिए सबसे पहले चावल, हमने बासमती चावल लिए, हमने एक के जी चावल लिए, इसे हमने भिगो दिया आधे घंटे पहले। उसके बाद हमने लिए वाइट चने, वाइट चने हमने लिए 250 ग्राम, जिसे हमने 4 घंटे भिगो के बॉईल कर लिया। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया, जिसे हमने बारीक काट लिया। इसके बाद हमें चाहिए पुलाव का मसाला, पुलाव के मसाले की रेसिपी हमारे आई बटन पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमें दही चाहिए, दही हमने 250 ग्राम लिए। इसके बाद हमें हरे मसाले में चाहिए, हमने 10-15 हरी मिर्चें लिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, 10-12 कलियां लहसुन लिए और आधी गड्डी पुदीना लिए, जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया। सूखे मसाले में हमें चाहिए 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 बिरयानी स्टार, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें चाहिए और 3 हमें साबुत मिर्चें चाहिए। नमक चाहिए, नमक लिया है हमने 1.5 खाने का चम्मच, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चले हमारी डिश शुरू करते हैं। अब पहले एक पतीला लिया है, जिसमें हमने सरसों का तेल गर्म करने रख दिया है। आपकी मर्जी हो तो आप घी में बना सकते हैं या सनफ्लावर ऑयल में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे, लाइट बन गई और इसे हम लाइट ब्राउन कर देंगे। गोल्डन हो चुके हैं, हमने इसे निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें हम तेल में डाल देंगे खड़े गर्म मसाले जो हमने आपको बताए थे, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे ये हरा मसाला। देखिए हरे मसाले को हम भूनेंगे थोड़ा। देखिए इसका पुलाव का जो मसाला है वो भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे दही, तो दही डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम ये आलू बुखारे डाल देंगे, 5 आलू बुखारे लिए और ये मिर्चे लिए हरी, ये भी डाल देंगे। इसी के साथ इसमें जो आपको पुलाव का मसाला बताया ये भी डाल देंगे। देखिए इसी के साथ ये चने भी डाल देंगे, चने हम पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि चने इसके पानी चने में जो यखनी होती है वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसमें हम पानी कर देंगे, इसमें हम 6 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि हमने 1 किलो चावल लिया है तो हम इसमें 6 गिलास पानी डालेंगे। और अब पानी हमने इसमें कर दिया है, इसका उबाल आने का इंतज़ार करें। इसकी पानी की उबाल आ चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे नमक डाल के चखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। नमक डाल देंगे, एक चाय का चम्मच गरम मसाला लिए, पिसा हुआ ये डाल देंगे। होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे चावल, चावल डाल देंगे, चावल को मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये दम पक पे जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए। देखिए चावल जो हमारे दम पक पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे गोल्डन प्याज, इसको मिक्स कर देंगे। प्याज मिक्स हो गया, देखिए चावल, देखिए आप माशाल्लाह एक एक दाना देखें कितना खिला खिला बना, और बड़ा 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 चावल, देखिए चावल देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बना, बड़ा बड़ा हुआ है, कितना खिला खिला बना है। अब इसे हम दम पक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले प्याजों को, अभी चावल को हम दम पक के रख देंगे। देखिए एक एक दाना माशाल्लाह हमारा खिला खिला बना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कलर, मर्जी है, कलर की मर्जी है आपकी, आप ढालें तो ढालें वरना इसको हटा भी सकते हैं आप। इसमें डाल देंगे कलर डाल दिया, अब इसको 10 मिनट के लिए दम पक पे रख देंगे, फिर दिखाएंगे आपको 10 मिनट बाद। हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल देखिए आप माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, खिला खिला बना है एक एक दाना, बहुत ही मज़ेदार आसान वाइट चने का पुलाव, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है।
उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इससे पहले भी हम चने के पुलाव के डिफरेंट किस्म के तरीकों से अपलोड कर चुके हैं और इसमें चने की जो सालन की रेसिपी वो भी अपलोड कर चुके हैं, चना चाट की रेसिपी भी अपलोड कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।